अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमजानों में बहुत पेट को ठंडक पहुंचाने वाला ठंडा ठंडा कूल कूल खीरे का शरबत, खीरे का जूस। तो इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए हैं, शक्कर है, पुदीना है, नींबू है, खीरा है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक ऐसा जूस बनने वाला है जो रमज़ानों में आपके पेट को बहुत ठंडक देने वाला है। इन दिनों में आपके पेट को ठंडक पहुंचाने वाले ड्रिंक्स बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, नींबू के फांके काट लेंगे, आधे नींबू के फांके काट लेंगे, बाकी नींबू ऐसे ही रख देंगे। और खीरा जो होता है वो एक साइड से थोड़ा कड़वा होता है, उसकी कड़वाहट निकालने के लिए इस तरीके से इसे कट करेंगे। इस पार्ट के ऊपर इसके नमक छिड़केंगे और उसके ऊपर ये वाला पार्ट इस तरीके से रगड़ेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसे रगड़ने से उसमें बहुत सारा झाग पैदा होता है, वो झाग ही खीरे की कड़वाहट होता है। तो वो झाग जब निकल जाता है तो खीरे की कड़वाहट सारी निकल जाती है, और ये एकदम रिफ्रेश करने के लिए, आपको ताजगी पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक साबित होगा। आप देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप कुछ भी नहीं कीजिएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है और पेट को ठंडक पहुंचाने वाली, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है और पॉकेट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो दूसरे खीरे के का भी मैं इस तरीके से नमक डाल के झाग निकाल के उसकी कड़वाहट को ख़त्म कर देने वाली हूँ। तो ये देखिए, इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो गई, इसे झाग निकलने के बाद इस तरीके से कट कर देना है। कुछ स्लाइसेस काट के रख लेंगे सबसे पहले इसे गार्निशिंग के लिए, इसे गार्निश करने के लिए, क्योंकि गार्निश करने से ज़रा ड्रिंक का मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है, देखने में ही एकदम वो टेम्पटिंग सा हो जाता है। तो थोड़ी सी गार्निश करने के लिए पीसेस हमने स्लाइसेस काट के साइड में रख दिए। अब इस खीरे के छिलके को उतार लेंगे, तो हमने इस तरीके से इसके फटाफट छिलके उतार लेंगे। खीरे का मौसम है, रमजान का भी मौसम है, रमजानों के लिए आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी साबित होने वाली है। रमजान में रोजा इफ्तार के वक्त आप इसे जरूर पीजिएगा, जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसे बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, खीरे आसानी से मिल रहे हैं मार्केट में। दोनों खीरे हमने छिलके छील लिए, अब इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे, क्योंकि पूरा खड़ा खीरा तो मिक्सर में ब्लेंड नहीं होने वाला है, ग्राइंड नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे हम ग्राइंड करके बनाने वाले हैं। तो इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जिससे कि इसे बड़ी आसानी से मिक्सी में ग्राइंड किया जा सकता है। बीच से ऐसे एक बार बड़ा कट लगाया, फिर इस पे एक और कट लगाया, और बस इसके छोटे छोटे चौकोर टुकड़े कर लिए बड़ी आसानी से। इसे काटना जब शुरू करते हैं तभी उसकी फ्रेशनेस फील होने लगती है और बहुत अच्छी खुशबू वगैरह आने लगती है। जब पुदीना डालते हैं तो उसका और भी मज़ा दोगुना हो जाता है और पेट के लिए वो बहुत अच्छा साबित होता है। यकीन मानिए, रमजान के लिए बहुत शानदार रेसिपी है। मिक्सी का जार लिया मैंने और इसे ग्राइंड करने के लिए सारे पीसेस को इसके अंदर डाल दिया, साथ ही ये पुदीने के कुछ पत्ते डाल दिए मैंने। इसके अंदर डालेंगे शुगर, शुगर आपको जितनी चाहिए उतनी डालें, मैं कम शुगर डाल रही हूँ इसलिए मैंने इसके अंदर डाला है 3 टेबल स्पून शुगर, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी 2 ककड़ी के लिए बहुत अच्छा है। और अब इसे 5 से 6 मिनट तक हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी को मैंने बंद किया, इसे 5 से 6 मिनट तक मैंने बीच बीच में रुका रुका कर ग्राइंड कर लिया है, और ये बिल्कुल स्मूथ, एकदम एकदम बारीक पिस गया है, पिस क्या गया है, बिल्कुल जूस हो गया है। तो अब इसे हम छान लेंगे इस तरीके से, स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा पल्प निकलने वाला है, आपकी पसंद है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस पल्प को ना यूज करें और अगर चाहें तो इस पल्प को ऐसे ही यूज कर सकते हैं, स्ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने स्ट्रेन कर दिया है क्लियरली दिखने के लिए, आपको वीडियो में क्लियर दिखाई देने के लिए मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। 5 से 6 मिनट तक मिक्सी को बार बार रुका रुका के पीसना है, क्योंकि अचानक एक साथ 6 मिनट तक पीसने में मिक्सी कभी कभी सॉरी बॉस बोल देती है। तो इसके अंदर हम ये नींबू निचोड़ देंगे, नींबू भी आपकी पसंद है, आप कुछ ज्यादा जूस चाहें तो ज्यादा डाल सकते हैं, कम चाहें तो कम डाल सकते हैं, चाहें तो इसके अंदर आप मौसम्बी भी निचोड़ के डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। अब नींबू को इसके अंदर मिक्स कर देंगे, तो पुदीना, शुगर और क्यूक्यूम्बर एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया, उसमें नींबू का रस निचोड़ दिया, बस ये ड्रिंक तैयार है।
क्यूक्यूम्बर का जूस, मैंने खीरे का जूस बन के तैयार है। अब इसे आप अगर चिल्ड सर्व करना चाहते हैं तो जैसा मैं सर्व करने जा रही हूँ ऐसे आप सर्व करें। मैंने ये जग के अंदर करीब आधा किलो बर्फ के टुकड़े ले लिए हैं, आइस क्यूब्स लिए हैं मैंने मेरे फ्रीज में से। 2 ट्रे बर्फ ले लिया है, उसे डाल दिया और उसके अंदर मैं इस जूस को डाल दूंगी। और ये बर्फ से एकदम जूस से चिल्ड हो गया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये खीरे के स्लाइसेस जो मैंने सबसे पहले कट करके रखे थे, और नींबू के स्लाइसेस जो मैंने पहले काटे थे नींबू के स्लाइसेस भी डाल दिए। और एकदम जबरदस्त खुशबू से एकदम तबीयत खुश हुई जा रही है। फ्रेश 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 जूस को मैं ग्लास में सर्व करने जा रही हूँ बर्फ के साथ में। ग्लासेस में मैंने इसे निकाल लिया, कम से कम 8 ग्लास जूस बना है ये। इसके ऊपर मैंने लगा दिया खीरे के स्लाइसेस, आप चाहे तो नींबू के स्लाइसेस लगा सकते हैं। और ये बहुत टेम्पटिंग सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार हो चुका है, रमजानों में इसका जरूर फायदा उठाइए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरी राय है कि आप इसे रमजानों में रोज पीजिए और पेट को अपने ठंडक पहुंचाइए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, और आपने इसे कितनी बार बनाया और कितनी बार पिया। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।